चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। जो आज का ट्रेडिंग सेशन रहा था, जो 21st का जो एक्सपायरी का डे, तो आज के दिन किस तरह से ट्रेड लिया मैंने, आज इतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड क्यों दिया, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी सजेस्ट किया था कि 39,700 का पी, इसके पीछे का लॉजिक वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो आपने थंबनेल में तो देखा होगा 10,000 यहाँ पे मैंने अर्न किया आज का प्रॉफिट। कल मेरे को 5,000 का लॉस हुआ था, वो लॉस रिकवर करके आज 5,000 अपने प्रॉफिट किया। यानी आज मैंने क्वांटिटी साइज क्यों बढ़ाया, सब कुछ का रीजन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और कल मैंने 75 क्वांटिटी पे ट्रेड करता, 100 क्वांटिटी पे ट्रेड किया था, लेकिन आज डायरेक्टली 200 क्वांटिटी क्यों लिया, इतना रिस्क मैंने क्यों लिया, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताने। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर देखें तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने का अपने लिए रेजिस्टेंस था, जैसे मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बोला था ये रेजिस्टेंस रह सकता है। इस लेवल के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने मॉर्निंग में सस्टेन किया नहीं, तो इधर से रिजेक्शन मिला, तो एक मॉर्निंग में मेरे को ट्रेंड पता चला कि मार्केट नीचे तो सेल ऑन राइज है, तो यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन मिला। और ये एरिया पे जैसे कि 39,700 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने 39,700 का पुट चूज कर लिया। उसके चूज करने के बाद देख सकते हैं मैंने मॉर्निंग को अपडेट कर दिया, अभी भी जैसे मार्केट चालू है 1:37 और फिर से यहाँ पे बुलिशनेस है। तो यहाँ पे मेरे को अच्छा से देखने को मिल रहा है कि 24 अगस्त मॉर्निंग में 120 के यहाँ पे आया, 120 पे यहाँ पे यहाँ से इसके नीचे जाते तो मेरे को लॉस चला, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट ना, यहाँ पे बेस रहा था। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी यहाँ पे अपडेट करता कि यहाँ पे जिस लोगों को बाय करना है तो 120 के हिसाब से आप बाय कर सके, एक अच्छा सा बेस है। और जैसे उसने एक बड़ा मोमेंटम दिया तो स्पाइक देख लीजिए, वो स्पाइक लगा 270 का, उसके बाद में जो उसने हाई लगाया 290 का 300 तक गया, लेकिन मैंने जो प्रॉफिट बुक किया अगर यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया। ऑर्डर बुक में देखें तो ये देख सकते हैं मैं 136 को उसको बाय किया और 218 को यहाँ पे बुक करें। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स गेन किए नियर बाय, तो मेरे को 20,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन मेरे को एक मॉर्निंग में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो उस वजह से मॉर्निंग में स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हो गया, देख से 143 पे मैं उसको बाय किया, 159 पे उसको सेल दिया, यहाँ पे मेरे को 3,000 का प्रॉफिट था। उसके बाद 175 को बाय किया, 150 मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 148 को फिर से मैंने उसको बाय किया 138 पे। यहाँ पे मैं मल्टीपल ट्रेड्स क्यों ले रहा था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कन्फर्म था, क्योंकि यहाँ पे एक बेस बन रहा है, अगर जाता है तो 120 के नीचे अगर यहाँ पे निकलता है तभी एक लॉस यहाँ पे फेस करूँगा, मेरा पोजीशन रिवर्ट करूँगा ऊपर की साइड। लेकिन मार्केट अगर देखे तो मार्केट का जो ट्रेंड है नीचे की तरफ ही है, तो यहाँ पे मैंने जैसे उसने सपोर्ट ब्रेक किया तो यहाँ पे नीचे की तरफ आया था, लेकिन मैंने उसको प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये जो वीडियो, तो वीडियो अभी प्ले करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरा चल रहा था प्रॉफिट लॉस, तो आप देख लीजिए। चलिए, यहाँ पे अपन ने बता दिया और इस तरह से मैंने आज का जो प्रॉफिट अर्न किया 39,700 के पुट में एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको मिला। अगर यहाँ पे लॉजिक अगर कहे तो यहाँ पे रिजेक्शन होने क्लियर कट मैंने कल के एनालिसिस के वीडियो में बताया, और मार्केट देखे तो अभी साइडवेज है। अगर बड़ा मोमेंटम इस लेवल के ऊपर इस लेवल के नीचे, अभी उसके लिए अभी तक कल के लिए भी मार्केट यहाँ पे इसी जोन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और लर्निंग वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ।